हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार ने शनिवार को एंजल दिव्यांग एवं अनाथ आश्रम छत्तर का दौरा किया और दिव्यांग आश्रम में दिव्यांग बच्चों को दी जा रही सुविधाओं, आधुनिक फिजियोथेरेपी व अन्य मशीनों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आश्रम द्वारा दिव्यांग बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की खूब सराहना की। हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार ने जिला कांगड़ा के तहत एंजल दिव्यांग एवं अनाथ आश्रम छत्तर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांग आश्रम को खोलकर अलका शर्मा और नीरज शर्मा ने बहुत ही पुनीत कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस दिव्यांग आश्रम में जो दिव्यांग बच्चों के इलाज में सुविधाएं दी जा रही है उसकी सरकारी स्तर के आश्रमों में कल्पना भी नहीं की जा सकती। कृपाल परमार ने कहा कि दिव्यांग आश्रम दिव्यांगों के लिए तीर्थ स्थान बनेगा और यहां पर सैकड़ों दिव्यांग बच्चों को नई जिंदगी मिलेगी। कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इस संस्थान का स्वरूप ये होगा। एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी दिव्यांग बच्चों के लिए फैसिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा नोबल धर्मार्थ और क्या क्या गाँव के क्या काम कर रहे हैं। इनका सारा संस्थान और बच्चों से मिलके जो इनके पास अंडर ट्रीटमेंट हैं या जो ट्रीटमेंट करवा चुके हैं उनसे बात करके मैंने तो इनको यही कहा है कि आने वाले समय में जो आपका घर या आपका ये जगह दिव्यांग बच्चों के लिए एक तीर्थ स्थान बनने वाला है कि यहाँ पर बच्चे आएंगे और यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। मैं यही शुभकामना देता हूँ कि जिस नोबल कॉज के लिए ये दंपति जो है वो अपना सब कुछ लगा रहे हैं, भगवान इनको और बड़ा करने में समर्थ दे और समाज को भी चाहिए कि इनके साथ मिलके चले ताकि दिव्यांग बच्चे जिनको सरकारी तौर पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी फैसिलिटी मिल पाती है, ये एक मिशन का काम है और मिशन के रूप में ये काम कर रहे हैं। मैं इनको साधुवाद भी देता हूँ और इतना बड़ा नोबल कॉज करने के लिए इनको बधाई भी देता हूँ। इस दौरान उन्होंने इन दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता से भी बातचीत की। दिव्यांगों के माता पिता ने कहा कि उनके बच्चों का यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से उपचार हो रहा है जिससे उनके बच्चों में काफी सुधार भी हो रहा है। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।